पराठा। सुबह ब्रेकफास्ट के अलावा हम पराठा को लंच और डिनर में भी इंजॉय करते हैं, और पराठा सबको पसंद आता है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन कीमा पराठा, चलिए बनाते हैं। जिसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा 150 ग्राम आटा, और इतना ही मैं ले रहा हूँ 150 ग्राम मैदा। वैसे तो ये रेसिपी आटे में भी बनेगी और मैदे में भी बनेगी, और दोनों को मिक्स करके भी आप बना सकते हैं। मैंने जो रेसिपी चुनी है आपके लिए वो मिक्स रेसिपी है, जिसमें मैं आटा और मैदा दोनों को बराबर भागों में ले रहा हूँ। अब हम मिलाएंगे नमक। नमक ज़्यादा नहीं मिलाना, हल्का सा डालिएगा, क्योंकि नमक स्टफिंग में भी होता है, तो आटे के बराबर अंदाज से आपको नमक मिलाना है। हाथ से रगड़ के एक चुटकी अजवाइन डाल दीजिए। आटा मैदा है, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आटा गूंथते समय यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि नमक को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना चाहिए आटे में, और यहाँ पे हमने आटा मैदा दोनों इस्तेमाल किया है, इसलिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम मिलाएंगे देसी घी। देसी घी हम मिला रहे हैं 2 चम्मच। इससे हमारा जो पराठा है उसमें मोंग अच्छा पड़ेगा, और पराठा जो है थोड़ा खस्ता बन के निकलेगा। अगर आपको ज़्यादा खस्ता नहीं चाहिए तो 1 चम्मच कम कर लीजिएगा। मोंग को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक हमारा ये आटा और मैदा मिक्स होके इस तरह से लड्डू न बन जाए। वैसे तो इसमें अगर कलौंजी मिला दी जाए तो भी स्वाद बढ़ेगा, तो आप एक दिन अजवाइन के साथ बना लीजिएगा, फिर कभी कलौंजी के साथ भी बना लीजिएगा। डालेंगे पानी, और यहाँ पे हमें जो डो गूंथना है उसे हमें सॉफ्ट रखना है, न ज़्यादा टाइट न ढीला। और जब भी हम आटा या मैदा गूंथते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारे हाथों में आटा गूंथते समय थोड़ा सा आटा चिपक जाता है, तो इसका निकालने का तरीका यह है कि आप आटा मैदा लीजिए सूखा, उसे अच्छे तरीके से रगड़ के आप उसे छोड़ा लीजिए, अच्छे तरीके से ढक के इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आप बाहर भी रख सकते हैं, आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। डो रेस्ट पे है, हम बनाने जा रहे हैं स्टफिंग, जिसके लिए मैं एक पैन में डालूंगा सरसों का तेल, 2 चम्मच काफी होगा, 1 चम्मच चॉप किया हुआ अदरक, इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा मोटा ना हो नहीं तो पराठे फटते हैं, चॉप किया हुआ ग्रीन चिली, 2 से 3 ग्रीन चिली काफ़ी होगी, बाकी आप अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, चॉप किया हुआ प्याज 4 चम्मच, 1 बड़ा या 2 छोटे मीडियम साइज के अनियन ले सकते हैं आप। प्याज हमारा अच्छे से भून गया है, यहाँ पे मैं डालूंगा चॉप किया हुआ पुदीना और चॉप किया हुआ धनिया, 1 चम्मच काफ़ी होगा, 1-1 चम्मच काफ़ी होगा। अब हम मिला देते हैं चिकन कीमा, अच्छे तरीके से इसे भूनेंगे। अब प्याज को कीमा के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करने तक पकाएंगे। शुरू में ये बात बताई, आटे से बना सकते हैं आप, मैदे से बना सकते हैं आप, मिक्स करके बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप कीमा को मटन कीमा से भी रिप्लेस कर सकते हैं। हम चिकन का कीमा ले रहे हैं, अगर आप फिश का कीमा लेते हैं, मछली का कीमा लेते हैं, तो भी ये पराठा बनेगा। कि हमने डो में डाला अजवाइन, तो चिकन के साथ अजवाइन अच्छा लग जाएगा और फिश के साथ भी अजवाइन अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप मटन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अजवाइन की जगह कलौंजी डालिएगा, अच्छा लगेगा। चिकन ने पानी छोड़ना चालू कर दिया है और कीमा जल्दी पक जाएगा, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, स्पाइसी करने के लिए ये कुटी हुई लाल मिर्च, और मिर्च का इस्तेमाल आप अपने स्वाद के अनुसार कीजिए, 1 पिंच काला नमक चटकपन देगा, स्वाद अनुसार वाइट नमक, चिकन को थोड़ा सा खट्टा करने के लिए, सावर करने के लिए, खटाई देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अनारदाना, और ये हम ले रहे हैं 2 चम्मच। साथ में मिलाएंगे कसूरी मेथी 2 चम्मच, और ऊपर से 1 पिंच डाल देते हैं गरम मसाला का भी। आप अपने घर में जो भी मसाला इस्तेमाल करते हैं गरम इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ चिकन मसाला मीट मसाला जो भी है। जो चिकन का कीमा हमने इस्तेमाल किया है उसे हाथ से चॉप किया गया है, जब भी आप कीमा लेके आए बूचर से तो बोले हाथ से निकाल के दे, मशीन से नहीं। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, और इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा आएगा। अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप आमचूर का इस्तेमाल कर लें, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का सा पुदीना मैं ऊपर से और डाल देता हूँ। गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं, इसे ठंडा करते हैं, और फिर बनाया जाएगा कीमा पराठा। कीमा को हम निकाल के प्लेट में डाल रहे हैं और फैला देंगे ताकि कीमा हमारा जल्दी ठंडा हो जाए। डो को देख लेते हैं और वापस से हम अच्छे तरीके से गूंथ लेंगे एक बार। अब इसके पेड़े काटेंगे, अच्छे तरीके से रोल करके हम पेड़ा बना लेंगे। अब एक पेड़ा लेंगे, अच्छे से डस्ट करते हैं मैदा में, पराठे को भरने के लिए इस तरीके से अंगूठे की सहायता से दबा दबा के क्लॉक वाइज घुमाते रहेंगे, गड्ढा सा बनाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे चिकन कीमा जिसको हमने भुना है, अच्छे तरीके से दबा के धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते हुए सील कर देंगे। इस तरीके से हम अपने सारे पराठे को भर लेंगे। हम परथन लगाएंगे और यहाँ पे
हल्के हाथों से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, धीरे धीरे करके फैलाना है और एक राउंड सर्किल डिस्क की तरह हमें इसे बनाना है। बेलते हैं। अब बेलने का तरीका बड़ा आसान है, बेलन को एक ही जगह पर रखनी है, रोल करते रहिए पलट के, धीरे धीरे करके हम बेलेंगे और राउंड शेप देंगे। तवा गर्म हो गया है, हम डाल रहे हैं अपने पराठे। क्या अच्छा कलर आया है। ऊपर से हम डालेंगे देसी घी, और एक बात का ध्यान रखना है, किनारा जो है वो अच्छे तरीके से पके तो वहाँ पे दबा जरूर दीजिएगा किनारे को, कपड़े की सहायता से, लैडल की सहायता से। एक्चुअली वापस से पलट देते हैं, और पराठे बनाते समय हीट का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये देखिए क्या खूबसूरत और क्रिस्पी करारा कीमा का पराठा बनके तैयार है, और निकाल के रख देते हैं प्लेट पे। हम नाइफ की सहायता से काट भी देते हैं, और ये देखिए कीमा पराठा पूरी तरह से तैयार है, और ये फिलिंग्स। चलिए सर्व करते हैं। पराठे को हम सर्व करेंगे दही के साथ और अचार के साथ। चिकन कीमा पराठा की यह रेसिपी जब आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे अपने घर में, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान आएगा, क्योंकि इसका स्वाद जो है काफ़ी लाजवाब है। उम्मीद करता हूँ आप इसे बनाएंगे और हमारे चैनल को बताएंगे कि आपको ये कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से वसवनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।